नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो एक एमएस वर्ड फाइल हो या एक्सेल फाइल हो या किसी भी प्रकार की जो भी फाइलें होती हैं, उन फाइलों को हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पीडीएफ जो है एक पोर्टेबल फाइल होती है जो कि हमारे फ़ोन में भी आसानी से रन कर सकती है और हम किसी के पास भी भेज सकते हैं और उसके फ़ोन में आसानी से रन कर जाएगी। लेकिन सवाल आता है कि पीडीएफ फाइल बनाएं कैसे, और जहाँ तक कि लिब्रे ऑफिस राइटर में भी पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, तो वो हम सारी बातें आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, चाहे हम फाइल को एमएस वर्ड में तैयार करें या फिर हम किसी फाइल को अपने एक्सेल में तैयार करें गाइस, लेकिन हमें बात आ जाती है उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे बहुत सी फाइलें होती हैं, हमें जरूरत पड़ जाती है पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। गाइस, अभी हम अच्छे से सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसके जरिए आप अपनी इमेजेस जो आपके फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे आपकी इमेजेस हो, उनको भी आप आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में हो जाएगा। गाइस, चलते हैं आगे। तो गाइस, अभी आपको मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से ही टेस्ट कुछ टाइप करके रखा है ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो। गाइस, तो टेस्ट टाइप करने के बाद में अभी सोच रहे हो कि इमेजेस को कैसे करेंगे। तो गाइस, सिंपल तरीका है, आपकी जो भी इमेजेस हैं, जैसे मेरे इस ड्राइव में इमेजेस हैं, यहाँ पर आप आने के बाद में जो भी इमेजेस में, यहाँ से ये वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया और इसे देन मैंने उसके बाद जो है कॉपी कर लिया, और आप सिंपली जो है इसे डायरेक्टली इम्पोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है इमेजेस ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इस फाइल में क्या नाम इसका, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आकर आप जो है डायरेक्टली आप जो है इसे इम्पोर्ट करा सकते हो। गाइस, मैंने यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है अपनी इमेजेस को, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। गाइस, अभी देख सकते हैं कि जो मैं अभी जो है पीडीएफ ये बनाऊंगा गाइस, तो उसके बाद ये जो इमेज है साथ ही में ये भी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। गाइस, तो चलिए अब पीडीएफ में इसे कैसे बनाएंगे। हमने डाटा भी टाइप कर लिया, हमने फाइल भी बना ली, सारे काम कर लिया, पीडीएफ में कैसे बनाएंगे। तो जब हम सेव में जाते हैं, यहाँ पे फाइल, यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में सेव एज में जाना है। सेव एज में जाकर भी पीडीएफ बना सकते हैं, और यहाँ पर सेव, यहाँ पर नीचे देखिए एक्सपोर्ट एज में जाकर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, यानी कि यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और कई सारे फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन गाइस, सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका जो है कि आप जब लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको न्यू मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, और उसी के जस्ट पास में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट का बॉक्स खुल के आएगा। कैसे, आप इसे सेव का भी बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है? ये इस डायलॉग बॉक्स में आपको उस फाइल का जो है नाम डाल देना, जो भी जिस नाम से आपको फाइल रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो फाइल का नाम बाइट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाल दिया, ठीक है? फाइल नेम डालने के बाद में आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है। ये कुछ समय का प्रोसेस लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। मेरा तो हो चुका है गाइस। उसके बाद में इस फाइल को जो है ओपन करके देखना है क्या यह पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में अभी हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में अभी हम चेक करेंगे कि वो फाइल हमारी कहाँ पर है। तो गाइस, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद में फाइनली हमें फाइल मिल गई है बाइट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मैंने इस पर दो बार क्लिक किया और इसे जो है ओपन कर लिया, ठीक है? तो गाइस, अभी देख सकते हैं हमारे पीडीएफ रीडर में फाइल ओपन हुई है, जो कि आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्या इमेज भी हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो गाइस, देख सकते हैं हमारी इमेज भी एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। गाइस, तो अभी मैं दिखा दूं, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये पीडीएफ में है, तो आपको यहाँ पर इसका आइकन भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है कंप्यूटर के लार्ज आइकन्स में जाता हूँ। जाने के बाद में अभी मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा गाइस। स्क्रॉल करने के बाद अभी इसका आप नाम देख सकते हैं, बाइट नॉलेज ऑफ आईटी, ठीक है? तो मैंने इसी फाइल को अभी कन्वर्ट किया था, जो कि अभी पीडीएफ में शो कर रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद गाइस। अगर आपको कुछ भी नॉलेज, जरा सा भी नॉलेज इस वीडियो से मिला हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, अगला कॉन्टेंट आप क्या चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।